नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका मेरे चैनल पर जहां हम बात करते हैं फैशन वीडियो लाइफस्टाइल की तो दोस्तों आज की वीडियो काफ़ी स्पेशल होने वाली है क्योंकि मैं बात करने वाली हूँ ब्राउन लिप ग्लासेज की लिप ग्लॉसेज लिप ग्लॉसी लिप पाम्स ये सब आप ट्रेंड कर रहे हैं एंड uh, हर कोई ऐसा ग्लॉसी लिप्स अचीव करने की कोशिश कर रहा है पर मुझे ग्लॉसेस कुछ खास पसंद नहीं हुआ करते थे कुछ सालों पहले आई यू टू जस्ट स्टिक टू एसेंस का जो क्लियर ग्लॉस आता है वो यूज़ करती थी या एक आध पिंक कलर के ग्लॉसेस थे दैट से बट आई थिंक जब से ये ट्रेंड बहुत ज़्यादा पॉपुलर uh, हुआ है आई वो अकॉर्डिंग टू ग्लॉसेज एंड आई हैव लॉर्ड ऑफ ग्लॉसेज इफ़ यू डोंट नो ऑन माई चैनल वी टॉक अबाउट मेकअप अ लॉर्ड ऑफ मेकअप फॉर दैट मैटर तो ग्लॉसेज के बारे में ही आज बात करने वाली हूँ और स्पेसिफिकली ब्राउन ग्लॉसेज के बारे में जो कि बेस्ट हैं और लेट्स गेट स्टार्टड विथ टूडेज वीडियो सबसे पहला ग्लॉस ओ बाय द वे यहाँ पे स्वॉच कर रखा है मैंने बट डोंट वरी मैं क्लिप भी इंसर्ट करूँगी तो आपको इजी रहेगा रेफरेंस करने के लिए एग्जैक्ट कलर कैसा दिखता है ये निक्स का बटर ग्लॉस है निक्स का बटर ग्लॉस का जो रेंज है बहुत सालों से अवेलेबल है मार्केट में नथिंग न्यू और जैसे कि आपको मैंने बताया मैंने रिसेंटली ही ग्लॉसेस में वेंचर आउट करना शुरू किया है एक्सप्लोर करना शुरू किया है uh, मैंने इस ग्लॉस uh, के बारे में बहुत सालों से सुना हुआ था बट आई नेवर अ थाट ऑफ परचेजिंग एस आई वॉज नॉट इन टू इट बट देन वेन आई परचेज दिस वन एंड अप्लाइड ऑन माई लिप्स आई वॉज फीलिंग सो गुड इसका फॉर्मूला बहुत अच्छा है मुझे बिल्कुल भी स्टिकी नहीं लगता इट फील्स सो गुड ऑन माई लिप्स जूसी लगता है एक्सट्रीम लेवल का ग्लॉसीनेस नहीं है बट इट फील्स सो गुड एंड दिस इज इन द शेड प्रॉलीन बाय द वे मेरे पास uh, एक और शेड है एंजल्स एंजल्स फूड केक वो भी बहुत अच्छा मूवी पिंक शेड है और क्योंकि ये वीडियो ब्राउन लिप लॉसिस के बारे में तो मैंने इसे इंक्लूड किया है हमें मिल रहा है एट एम ऑफ़ प्रोडक्ट और कुछ ऐसा दिखता है ट्रेवल फ्रेंडली पैकेजिंग है एप्लीकेटर जैसा कि मैंने आपको दिखाया इस तरीके का दिखता है आराम से आप इसे यूज़ कर सकते हैं आई ट लाइक दिस शेड आपको मैंने एक और बात फनी uh, uh, बताई थी कि विथ uh, टाइम थोड़ा ब्राउन लिक्विड लिपस्टिक्स या ब्राउन लिपस्टिक्स uh, से मेरा झुकाव कम होता जा रहा है बट अभी ख़त्म नहीं हुआ है सो आई एम टू इट डन एस यू कैन सी आई एम वेरिंग ब्राउन लिप कॉम्बिनेशन टुडे सो आई एम वेयरिंग एवोन का मोका लिपस्टिक ये मुझे बहुत अच्छा लगता है आप देख सकते कितना अच्छा लगता है और कितना बचा है ये तो ये लिपस्टिक लगा रखी है और मैंने एक क्लास अप्लाई कर रखा है जो कि इसी वीडियो में आपको दिखाऊंगी सो स्टे ट्यून फॉर दैट नेक्स्ट के क्लॉस के बारे में जैसे कि मैंने कहा दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट अवेलेबल इन द मार्केट एंड कुछ लोगों को ये महंगा भी लग सकता है एंड आई एल नॉट डिनाई दैट फैक्ट बट स्टिल आई थिंक इट इज़ वर्थ ट्राइंग एंड आई अंडरस्टैंड द हाइप अबाउट इट नाउ सो लेट्स मूव ऑन एंड टॉक अबाउट माई एब्सोल्यूट फेवरेट इसको मैं uh, जैसे कि मैं कहती हूँ मैं पिंक uh, के झुकाव वाले लिप ग्लॉसेज काफ़ी यूज़ किया करती थी या फिर एसेंस uh, का क्लियर ग्लॉस यूज़ किया करती थी इवन ये ग्लॉज भी यूज़ किया करती थी मैं एंड दिस इज बाय मिलानी और अभी रिसेंटली ये वायरल जा रहा है दिस इज़ इन द शेड वॉट एवर एंड दिस इज़ फ्रॉम द लिडोक्रिस लिप ग्लॉस अरेंज डेफिनेटली आज की वीडियो में सबसे महंगा ग्लॉस यही है दिस इज़ बाय मिलानी एस आई सेट एंड इट्स लाइक दिस एप्लीकेटर टीयर ड्रॉप एप्लीकेटर है काफ़ी थिन है और आई नेवर फील्ट कि एप्लीकेटर अच्छा नहीं है एन ऑल दैट एंड दिस इज़ हाउ इट लुक्स इट इज़ बड़ी ग्लॉसी और श्योर भी है आपको अगर एकदम एक्सट्रीम लेवल का ब्राउन शेड पसंद नहीं है दैन दिस इज़ द वे टू गो इसमें बहुत सारे आप देख सकते हैं इसमें जरा फाइन शिम पार्टिकल है लाइट मी फुट इट दैट वे सो गोल्डन स्पेक्स ऑफ शिमा इज वॉट यू गेट इन दिस दिस इज़ अ रियली ब्यूटिफुल लिप ग्लॉस एंड इट डज फील अ लिटो बिट स्टिकी आई एल नॉट डिनाई दैट फैक्ट बट इट फील सो गुड अदरवाइज अगर आपको उस हल्के सी चिपचिपा हार्ट से प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि वो ग्लॉस है और ग्लासेज यूजअली हल्के से चिपचिपे होते हैं बहुत कम ग्लासेज मार्केट में तो चिपचिपे नहीं फील होते हैं uh, इसमें थोड़ी सी स्टिकीनेस uh, है बट अदर दैन दैट द शेड इज रियली गुड एंड आई क्वाइट लाइक द पैकेजिंग आई लाइक द एप्लीकेटर एंड ये बहुत अच्छे से लिप्स पे टिकता भी है दैट इज़ अ रियली गुड थिंग ऐसा नहीं है कि यू नो बह जाएगा ऐसा भी होता है ग्लॉस के साथ जैसे मेरे पास नेक्स का एक uh, लिपस्टिक और uh, लिप ग्लॉस का ड्यू है उसका लिप ग्लॉस बहुत अच्छा है बहुत शाइनी है बट वो बह जाता है लिटरली सो उसे कुछ मैं भी भावनाओं में बह के ज़्यादा लगा देती हूँ बट द पॉइंट इज इट इज नॉट स्लिपरी और इट डजन लीड टू एनी काइंड ऑफ ब्लीडिंग ऑन योर लिप्स दैट इल एनी वे इज़ नॉट लुक क्यूट राइट इफ इट हैपन्स सो ये बहुत अच्छी चीज़ है इसलिए मुझे ये बहुत अच्छा लगता है फॉमुलेशन वाइज आई क्वाइट लाइक इट आई हाईली रिकमेंड दैट यू चेक दिस वन आउट लेट्स मूव ऑन एंड टॉक अबाउट दिस दिस इज कर फेवरेट लिप ग्लॉस बाई मेबलिन लिफ्ट ग्लॉस है ये और ये भी सेल पे लो तो अच्छा रहेगा बट दिस इज टोटली वर्थ पर चेजिंग इज़ नो डाउट दिस वन इज़ इन द देरेंट स्टोन पेटल अगर आपको पता नहीं है मेरा फेवरेट शेड है पेटल विच आई एब्सल्यूटली लव इसके अंदर ब्राउन टोन आराम से दिखेगा अगर आपको लिपस्टिक नहीं लगानी है तो सिर्फ इसको भी लगाओगे तो भी चलेगा और ये डेली यूज़ के लिए बहुत ही अच्छा शेड है आप देख सकते हो ये थोड़ा सा थिक है जब मिलानी वाले से आप कंपेयर करोगे तो, तो ये कुछ ऐसा दिखता है एंड जस्ट लुक एट दैट द शी इट हैज गॉड द कंफर्टेबिलिटी इट हैज़ गॉड द फॉर्मुलेन इज गोड इट डजन फीस टिकी एंड दिस इज वन ऑफ द लॉन्गेस्ट लास्टिंग लिप ग्लॉज दैट आव एवर ओनड तो ये बहुत बड़ी चीज़ है आपको अगर लिप ग्लॉस लगाना है और लॉन्ग लास्टिंग में होना चाहिए सो दिस इज़ वन ऑफ द लिप ग्लॉस दट आई एल रिकमेंड टू यू इसका डो फुट एप्लीकेटर बहुत अच्छा है इट लुक्स लाइक दिस आपको यूजुअली लिप लाइन नहीं करने हैं तो इसका पॉइंटी डोटअप uh, जो है वो बहुत काम आता है लिप लाइन करके भी सिर्फ इसको लगाओगे तो भी काम चल जाएगा यू विल नॉट बी डिसअपॉइंटेड यू मस्ट ट्राई दिस ग्लॉस अगर कोई और ग्लॉस नहीं खरीदना मार्केट से तो इसमें जरूर से इन्वेस्ट करना आई थिंक तकरीबन आठ सौ का नायका पे आता है पर सेल पे 500 पर पाँच सौ के आसपास पड़ जाएगा बट दिस माइट बी द ओनली ग्लॉस दैट यू शुड एवर ओन सो गिव इट अ ट्राई दैट स्पीक्स वॉल्यूम वड एव आई एम सेंग यू जस्ट गो एंड चेकआउट आई थिंक दिस वन ग्लास विल बी वेरी गुड फॉर यू इफ यू आर अड मीडियम स्किन टोन्ड गर्ल नेक्स्ट इज दिस दिस हैज़ बिन मार्केटेड एज हाई शाइन लिपस्टिक बाई वेड एंड वाइट पर मैंने इसे कभी भी लिपस्टिक तरह यूज नहीं किया अगेन इसके अंदर हाई शाइन है और इसका एप्लीकेटर दो फुट एप्प्लीकेटर है और नाइकअप पे मैं चेक करती दूसरा रेड कलर का जो शेड है वो अवेलेबल है आई थिंक चार पाँच सौ रुपए मिल रहा है पर ये शेड नहीं है समहाव बट आई लुक फॉर इट एल्स वेयर एंड लुक एट दैट यू सॉ दैट इट इज़ सच अ ब्यूटिफुल शेड फॉर मीडियम टू डीपर स्किन टोन्स ये बहुत ही अच्छा शेड है और अगेन आप इसको देख रहे हो कितना लाइट है एक बार को आपको लग सकता है कि आप वॉश आउट हो जाओगे डेफिनेटली दैट्स आई मैंशन की आपको लिप लाइनर लगाना चाहिए बट इसमें तो लिप लाइनर की भी जरूरत नहीं है इट इज़ दैट ग्रेट ऑफ अ शेड आप देख सकते हैं इट्स अ डीप ब्राउन शेड एंड आई क्वाइट लाइक द शीन इट हैज़ गॉड आपने लिप ग्लॉव लगाया है ऐसा आपको फील भी नहीं होगा स्टिकी नहीं हैज बिन मार्केटेड एज लिप स्टिक राइट पर मैं ऐसे ऐसे ग्लॉज टॉपर ही यूज करती हूँ क्वाइट लाइक दिस शेड दिस इज बेट एंड वाइल्ड लिक्विड कैट सूट हाई शैन लिपस्टिक इन द शेड सेडर लेटर एंड दट इज दैट आई क्वाइट लाइक द पैकेजिंग बहुत सालों पहले वेट एंड वाइल्ड की कैट सूट लिपस्टिक्स फेमस हुई थी मेटालिक लिपस्टिक मैट लिपस्टिक एंड दिस सो दिस वन आई कैप्टन दिस वीडियो क्योंकि मुझे ये बहुत अच्छा लगता है एंड इन द नेम ऑफ ब्राउन लिप क्लॉथ येस इट्स अ रियली गुड वन इफ यू डोंट लाइक अप्लाइंग लिपस्टिक अलग से ग्लॉस अलग से तो लिपस्टिक एंड ग्लॉस का काम ये आराम से कर सकता है विद द शीन इट हैज गॉड कीप इन माइंड कोई भी आप ग्लॉसी uh, चीज अपने लिप्स पे लगा रहे हो तो आप कैसे एक्सपेक्ट कर रहे हो कि कुछ भी ट्रांसफर नहीं होगा इट डज इन वर्क दैट वे कोई भी ग्लॉसी प्रोडक्ट आप अपने लिप्स पर लगा रहे हो तो कहीं ना कहीं ट्रांसफर होगा सो so.

मिड रेंज में ना ज़्यादा मोटे ना ज़्यादा पतले हैं सो आई लाइक टू कीप इट दैट वे आई डोंट लाइक प्लम्ड अप लिप्स ऑन मी पर्सनली और मैं किसी तरह का जो ग्लॉस बता रही हूँ उसमें से एक भी आज प्लम्पिंग इफेक्ट वाला नहीं है सो इफ दैट इज़ वॉट यू वर लुकिंग आउट फॉर नो दिस वीडियो इज़ प्रोबली नॉट फॉर यू एनी वे सो ये वाला जो शेड है रोज टी इसमें एक हिंट ऑफ पिंक है बट इट्स अ टोटली ब्राउन लिप ग्लॉस एंड विद लॉड ऑफ शीन एस यू कैन सी लुकैट दैट शीन आई क्वाइट लाइक दिस शेड बैट शी ग्लैम इन द वे एंड रोस्टी और एक आध शेड हैं एक मौका करके भी था मौका ब्राउन शेड था

तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो आशा करती हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो होगी अगर आपको ऐसी वीडियोस देखना पसंद है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें मुझे सपोर्ट करें और मैं आपसे मिलती हूँ अपनी अगली वीडियो में ठीक केयर बाय बाय